कैसे हैं आप? मैं सर बढ़िया हूँ, आप कैसे? डोली सजा के रखना रिलीज हुई है, आप मल्टीप्लेक्स में, मुंबई के बड़े मल्टीप्लेक्स में, आप क्या कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में? आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री मल्टीप्लेक्स की तरफ टर्न ले चुकी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान SRK म्यूजिक का ओनर रोशन जी का है जिन्होंने मल्टीप्लेक्स के लिए हिम्मत की जी। अन्यथा आज के दौर में भोजपुरी प्रोड्यूसर हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, न प्रमोशन का न मल्टीप्लेक्स के लिए। तो इनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, ऐसे ही आगे फिल्में बनाते रहें और मल्टीप्लेक्स की तरफ जाएं। जो दर्शक भाग गए हैं वो मल्टीप्लेक्स में आएंगे। आज आप देखे भी होंगे सिनेमा हॉल में कितना भीड़ जी। अब बहुत बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, खेसारी लाल यादव की फिल्म चल रही है अंदर जी, यहाँ से देखिए, यहाँ से अंदर खेसारी लाल यादव की जो फिल्म है वो इसी स्क्रीन में चल रही है PVR में। बहुत लोग आए हैं, कौन कौन आया है अखिलेश भाई? आम्रपाली जी आए हैं, कल्लू जी आए हैं, तमाम दिग्गज कलाकार आए हुए हैं। इसके बाद में अक्षरा जी आई हैं, सुभी जी आई हैं, मतलब नाम ले तो पूरा आधा घंटा नाम लेने में चला जाएगा मुझे। और कंटिन्यू में फिल्में अभी पूरा ऑल ओवर इंडिया PVR में रिलीज हुआ है, सिंगल थिएटर में भी हुआ है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना नजदीक के सिनेमाघर में जाकर देखें और कमेंट्स जरूर करें पिक्चर कैसी लगी। बहुत भीड़ भाड़ जो है वो नज़र आ रहा है कई वीडियोस में, बिहार के थिएटर्स में, दूसरी जगहों के थिएटर्स में बहुत भीड़ है, तो लगता है कि फिल्म जो है वो बड़ी कामयाब होगी। सर देखिए, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म, पारिवारिक फिल्म आई है। जो लोग जो डरे हुए हैं ना, एक थिएटर से डरे हुए थे, दूसरी कंसेप्ट से डरे हुए हैं। अब इसमें मेकर को सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे कैसी फिल्में लेकर जो हमारे दर्शक जो भागे हुए हैं वापस आए। बल्गर बिल्कुल नहीं चलेगा, वो दिमाग में सेट, दिमाग से जो रखे हैं ना हटा लें वो लोग। अब मेकर भी सही हो जाए, कंसेप्ट अच्छा लेकर रखें और 100% लोग फिल्म देखेंगे। अखिलेश भाई, आप प्रचारक हैं, आप PR हैं फिल्म के, आप फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या तैयारी आपने और आपकी टीम ने की थी डोली सजा के रखना को एक बड़ी रिलीज देने के लिए? देखिए, हम लोगों ने इस पर कम से कम एक महीना से आज तक हम लोग अपना काम कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म पर कि हमको क्या क्या करना है, एक एक चीज स्टेप। उसमें बड़ा रोशन जी का, शर्मिला मैम का, रजनीश जी का, हमारे बड़े भाई हैं रंजन सिन्हा जो पूरा नॉर्थ इंडिया देख रहे हैं, हम लोग सबने मिलकर एक टीम बना करके अच्छे से प्लेटफॉर्म तैयार करके हमको ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना है और हम लोग उस पर काम करके आज हम मल्टीप्लेक्स तक पहुँचे जी। खेसारी लाल यादव खुद क्यों नहीं आए फिल्म के प्रमोशन सर, के लिए? शूटिंग में व्यस्त हैं, उनसे बात हुई थी, शूटिंग में व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने शुभकामनाएं दिया है पूरा सभी दर्शकों को कि आकर पिक्चर देखें, उनके फैंस को मैं भी बोल रहा हूँ कि आकर पिक्चर देखें और कमेंट जरूर करें कैसी फिल्म है जी, ताकि हम लोग आगे से भी और उसको और सुधारा जा सके जी। आप क्या और कहीं जा सकते हैं खेसारी लाल यादव या आम्रपाली दुबे किसी थिएटर में और जा सकते हैं ऑडियंस के साथ फिल्म देखने के लिए? सर हमारी कोशिश है कि हम लोग कल के बाद हम लोग डिसाइड करें कहां कहां जाएंगे, कोशिश है कि हम कुछ थिएटर में जाएं। कुछ बता सकते हैं आप कितनी कमाई हुई है अब तक फिल्म को, कितना कमाया है फर्स्ट डे? सर ये कैलकुलेशन अभी शाम तक मालूम चलेगा, 6-7 बजे तक आपको कल रिपोर्ट दे देंगे जी। मतलब ये उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है, सभी जगह हाउसफुल है और उम्मीद है कि ऐसे ही हाउसफुल कंटिन्यू। थैंक यू अखिलेश भाई। ओके, थैंक यू सो मच सर।